डॉक्टर साहब, आज जो आप ये बीमारी बता रहे हैं, पहले तो इसके बारे में विस्तार से बता दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? ये बेसिकली अवेयरनेस जताने के लिए सोसाइटी में कि एक इन्फेक्शन से जब ऑर्गन्स एक एक करके ख़राब होने लगती है, उसके कुछ लक्षण पहले से आ जाते हैं, जैसे पेशेंट की चक्कर आना या बेहोशीपन या बहकी बहकी बातें करना या यूरिन आउटपुट कम होना या आंखें पीले होना जॉन्डिस का लक्षण हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, कोई भी एक इन्फेक्शन, चाहे वो निमोनिया से हो, छाती का इन्फेक्शन हो या यूरिन इन्फेक्शन हो या पेट का इन्फेक्शन हो, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से दूसरे ऑर्गन जब ख़राब होने लगते हैं, इसका मतलब है कि बीमारी काफ़ी सीरियस होने हो सकती है। और इसके वजह से आप जल्द से जल्द पेशेंट्स कम से कम एक अच्छे हॉस्पिटल में या अच्छे इलाज करा लें, ताकि टाइमली वो अगर ट्रीट हो जाए तो वो और आगे जो तकलीफें हो सकती हैं उससे वो बचाव कर सकता है। मॉर्बिडिटी, जिसका मतलब है देर तक बीमार रहना, और मॉर्टेलिटी मतलब कि मौत के चांसेस, हर ऑर्गन जैसे एक एक करके ख़राब होने लगती हैं, उससे ये सारी चीज़ें बिगड़ने लगती हैं और बढ़ने लगती हैं। हमारा जो मेन एम है इस सेशन का, इसका मुद्दा यही था कि बेसिकली हम किसी तरह से सोसाइटी में ये जागरूकता जगाएं कि किसी तरह से ये सब अगर बीमारी को हम किसी हालत में कम कर सकते हैं। इस जो ये इन्फेक्शन है, इसको क्या कुछ अलग से नाम दिया गया है? नहीं, इन्फेक्शन को क्यों अलग से नाम नहीं है, सेप्सिस एक ऐसा शब्द है जो मेडिकल टर्म है, जिसका कहने का मतलब है कि एक इन्फेक्शन की वजह से ऑर्गन जब एक करके ख़राब होने लगती हैं तो उसको हम सेप्सिस कहते हैं। हर एक को, बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन होती है, सर्दी जुकाम निमोनिया भी होती है, आमतौर पर वो गोलियां खा के या कुछ देर तक हॉस्पिटल में 2-4 दिन रुक के 5 दिन रुक के इंजेक्शन लेके घर ठीक ठाक होकर चले भी जाते हैं। बट कुछ ऐसे क्षण लोग हैं जो जिनकी बीमारी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो दहशत की तरह वो काम करती है, जहाँ पर एक एक करके ऑर्गन्स अफेक्ट होने लगती हैं, जिससे मौत के चांसेस बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी देर तक उनको हॉस्पिटल में और लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स में और या ऑर्गन सपोर्ट सिस्टम्स में रहने की ज़रूरत पड़ती है। आपको क्या लगता है कि इस बीमारी के मेन फैक्टर्स क्या हैं? इसके कई रीजंस हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं। आमतौर पे ये हम देखते हैं आज के दिन में किसी भी क्षेत्र को, मतलब किसी भी ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है, हेल्दी यंग इंडिविजुअल, मिडिल एजेड या जो उनके पास क्रॉनिक बीमारियां हैं। जो लिटरेचर कहती है कि जो एक्सट्रीम ऑफ एजेस होते हैं, जो मतलब कि या तो बहुत कम उम्र वाले या बहुत ज़्यादा उम्र वाले, या जिनको क्रॉनिक बीमारियाँ होती हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कोई और ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट पहले से होती है, उनमें ये सब प्रॉब्लम्स थोड़े ज़्यादा नज़र आते हैं। बट ऐसा जिस तरह से डिजीज़, जैसे हमारी ह्यूमन एवोल्यूशन होती है, बैक्टीरिया और ऑर्गेनिजम्स भी अपनी अपनी एवोल्यूशन होती रहती है, जिसकी वजह से आजकल का हम सीरियसनेस पे ज़्यादा हम नज़र देखते हैं। हो सकता है कहीं पे हमारे लाइफस्टाइल रिस्पॉन्सिबल हो सकता है हमने अपना ध्यान नहीं रखा हो, और इसी वजह से हम लोग अवेयरनेस जताना चाहते हैं कि अपने आप को हेल्दी रखिए, खाना पीना टाइमली खाएँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें, पानी की मात्रा अच्छा रखें। मतलब कहीं ना कहीं शराब और धूमपान जो होता है वो ज़्यादा इफेक्ट करता है इसमें डेफिनेटली, क्योंकि जो शराब जो रेगुलरली ले रहा होगा उसको कहीं ना कहीं लिवर में अफेक्टेड होगी, और जिसकी वजह से बाकी ऑर्गन्स भी इफेक्ट हो सकती हैं। इनमें बॉडी की रेजिस्टेंस कम होती है, इन्फेक्शन आगे तरफ फैल सकती है। तो तंबाकू की वजह से सबसे ज़्यादा डैमेज फेफड़ों में होती है, जिसकी वजह से फेफड़ों की दिल बीमारियाँ या वेंटिलेटर के ऊपर जाने के चांसेस, संभावनाएँ ज़्यादा हो सकती हैं। कितना टाइम लग जाता है इस बीमारी से क्योर होने में? वक्त लगता है, वो पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है। बहुत सारे, जैसे मैंने बताया, वही सेम बीमारी बहुत सारे पेशेंट्स कुछ दिन वार्ड में रह के, रूम में रह के ठीक होकर चले जाते हैं, कुछ पेशेंट्स हफ्तों तक रह जाते हैं, कुछ पेशेंट्स महीनों तक रह सकते हैं हॉस्पिटल में, बिकॉज एक के बाद एक कॉम्प्लिकेशंस और ऑर्गन इन्फेक्शन की वजह से उनको टाइम रिकवरी में लग सकते हैं, तो दिनों से लेके अब महीनों तक गिन सकते हैं। पिछले कुछ सालों में ये बीमारी कितनी बढ़ गई है? मैडम, बीमारियां नहीं बढ़ी हैं, हो सकता है आज के दिन में आबादी तो डेफिनेटली बढ़ी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऑब्वियसली सेम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अगर बीमार पड़ रही है जो 10 साल पहले थी, वही अगर आज भी 10% भी हम ले लेंगे, तो इसका मतलब है कि नंबर्स तो ज़्यादा हैं, हॉस्पिटल के बेड्स इतने ज़्यादा तैयार नहीं हुए हैं या इतने ज़्यादा बने नहीं हैं जितने, जिस रेट से पॉपुलेशन बढ़ी है। इसलिए हम ये सेगमेंट और शायद ज़्यादा रिकोगनाइज कर रहे हैं, ज़्यादा जल्दी हम ज़्यादा टेस्ट की अवेलेबल हो गई हैं, जिसकी वजह से हम शायद ये डिजीज़ को ज़्यादा पहचान पा रहे हैं। आजकल हर कोई बीमारी के लिए कहीं ना कहीं वो अटेंशन सीकिंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमेशा ये डायग्नोसिस धीरे धीरे करके पड़ रही है। इस बीमारी की स्टेजेस भी है कोई?
नहीं, ऐसा स्टेजेस तो नहीं है, या एक सिंपल इन्फेक्शन है जो चाहे जैसे निमोनिया हो गया, यूरिन इन्फेक्शन हो गया, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया, ये सिंपल इन्फेक्शन तक रहती है तो वो गोलियों से वो टैबलेट से काम चल जाता है। बट कभी कभी जब सीरियसनेस होती है, जब ऑर्गन इफेक्ट्स होती हैं, तब उसका हम सेप्सिस कहते हैं। तो इसके दो रूप्स हैं, एक सेप्सिस जिसमें ऑर्गन इफेक्ट है, एक सेप्टिक शॉक हो गया जहाँ पे ब्लड प्रेशर इतना गिर गया है कि उनको फ्लूड्स के मतलब पानी के साथ साथ दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करने के लिए। अगर हम बात करें इस ट्रीटमेंट का, कितना उसमें प्रॉब्लम सहना पड़ता है एक मरीज को? काफ़ी हद तक वो आई थिंक ये पेशेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा बता पाएंगे। काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि तकलीफ जो होती हैं वो कई प्रकार से आती हैं, मसल वीकनेस की तरह से आ सकती हैं। कुछ लोगों को ऑर्गन फंक्शन जो रिकवर करते हैं, जो पहले बिल्कुल नॉर्मल थे, फुली रिकवर नहीं करते हैं। जैसे बहुत सारे पेशेंट नॉर्मल किडनी फंक्शंस के साथ एडमिट होते हैं बट किडनी फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल कभी कभी वापस नहीं आते जिनकी किडनी बिगड़ जा चुके होते हैं। सो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ भी बन सकती हैं। कुछ लोग लिवर को चोट पहुँचती हो, लिवर कम्प्लीटली हो सकता है रिकवर ना करें। तो जब रिकवरी पूरी तरह से नहीं होती है, थोड़ी बहुत डैमेज हो सकता है, परमानेंटली रह जाए। मतलब ये जैसी बीमारी की शुरुआत होती है पता लग जाता है सिम्टम्स से? नहीं, हर एक को नहीं पता लगता। अगर सीरियसनेस होती है, जैसे कोई मतलब इन्फेक्शन के साथ साथ कोई अननेचुरल से सिम्टम्स आने लगते, जैसे हर एक को बहकी बहकी बातें नहीं करेंगे, या डिजीनेस चक्कर नहीं आएंगे, या ब्लरिंग ऑफ विजन नहीं आएगा, या यूरिन आउटपुट गिरेगा नहीं। सुबह से नॉर्मली हम हर 3 घंटे 4 घंटे में यूरिन करते हैं, बट अगर बंदे ने सुबह से शाम तक एक बार यूरिन पास किया और वो भी गाड़ी आ रही है और ये डार्क येलो आ रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। सिमिलरली अगर ब्लड प्रेशर गिर रहे हैं, उठने में चलने में चक्कर आ जाना, आंखों के सामने अंधेरा बनाना, दीज आर ऑल साइंस की ब्लड प्रेशर में दिक्कतें आ सकती हैं। और यही सब अगर होएंगे तो दीज आर ओमिनस साइंस की ये पेशेंट और ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। लेकिन कई लोग यूरिन पास करने से रुक जाते हैं, अगर जैसे कहीं ट्रैवल कर रहे हो कि टॉयलेट क्लीन नहीं है, साफ स्पेस नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? दैट इज अनहेल्दी बिकॉज यूरिन ज़्यादा देर रोकने से ब्लैडर में इन्फेक्शन हो सकती हैं। इसलिए हमारे जैसे पेरेंट्स हम बच्चों जब हम लोग छोटे थे कहते हैं कि बार बार जाना है, यूरिन रोकना नहीं है, यूरिन रेगुलर टाइम में पास करना है। सो दैट इज़ नॉट करेक्ट जो आप प्रैक्टिस है या अंडरस्टैंड, बिकॉज अनहेल्दी वॉशरूम्स होते हैं जगह जगह पर और लोग जाना नहीं चाहते हैं, उसके भी अपने अपने रिस्क हैं। मतलब उससे भी इस बीमारी का खतरा हो सकता है? इनडायरेक्टली येस, बट नॉट, कभी हमने कभी ऐसा कोई इस तरह का पेशेंट नहीं आया कि वॉशरूम यूज़ करते वक्त या यूरिन इन्फेक्शन। जैसे बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जो घुटनों की वजह से या फ्रैक्चर की वजह से चल नहीं पाते, वो यूरिन रिटेन करते हैं, उनमें यूरिन इन्फेक्शन की चांसेस ज़्यादा होती है और उनमें इस तरह का बिगड़ाहट आने का आशंका ज़्यादा हो सकती है। अगर हम बात करें खर्चे की, इसके ट्रीटमेंट में कितना खर्चा हो जाता है? डिपेंड करता है कहाँ पर किस जगह पर आप इलाज करा रहे हैं। हम जो फोटेस है सबसे महंगे हॉस्पिटल में, इसमें कोई डाउट नहीं है। एट द सेम टाइम यही सेम इलाज जैसे पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में कुछ भी खर्चा नहीं होता, सिर्फ दवाइयाँ जो थोड़ी बहुत अगर खरीदनी होती है तो टाइम का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर। सिमिलरली अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वर्ग में अलग अलग खर्चे हो जाते हैं, तो कुछ हज़ार रुपये लगे, कुछ लाखों रुपये तक खर्चे हो जाते हैं। मतलब कह सकते हैं कि कुछ लोग इसलिए शायद इलाज नहीं करवा पाते कि खर्चा ज़्यादा है, कुछ लोग इसलिए इलाज नहीं करवा पाते कि टाइम ज़्यादा है। हो सकता है खर्चे के डर के भावना की वजह से वो एक सही सेटअप में जा नहीं पाते हैं, अच्छे सेटअप में जा नहीं पाते कि इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच होगी, दवाइयाँ होंगी। हो सकते इसी डर की वजह से और उसमें वो सिचुएशन बिगड़ने का डर ज़्यादा रहता है। अगर हम बात करें आपकी, आप कितने टाइम से इस बीमारी को फेस कर रहे थे? मैं जब यहाँ तो कोई ज़्यादा बीमारी बिल्कुल मैं हेल्दी था, बट डायबिटिक हूँ, लेकिन जो मेरी बीमारी है सिर्फ 2-3 दिन में ही स्टार्ट हुई और इसने मुझे ऐसे गिरा कि मेरे ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा गिर गया, जिसके कारण मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। आपको क्या फील होता था, मतलब चक्कर आते थे या आपसे उठा नहीं जाता था क्या? नहीं, मुझे बस फीवर हुआ है 2 दिन, और 2 दिन के बाद मेरे बॉडी एक बहुत ज़्यादा सारे शरीर में दर्द हो रहा। तो कितने दिन आपने ये दिक्कत महसूस की? दिक्कत से मैं यहाँ पर आया, उसके बाद मुझे 20-22 दिन को तो कुछ याद ही नहीं है। मुझे एनेस्थीसिया दिया गया था, ऑक्सीजन लेवल मेरा डाउन जा रहा था, उसके बाद मुझे वेंटिलेटर लगाए, पाइपलाइन और लगानी पड़ी,
इस कारण मुझे उन्होंने एनएसिया दिया और बेहोशी रखा, क्योंकि वो बार बार पार्टी का नाम बहुत पेनफुल है। तकरीबन मैं 40-45 दिन में ठीक हो गया। अगर हम आपकी बात करें, आपको ये दिक्कत कब से थी और कैसा, मतलब कब पता चला कि क्या मुझे प्रॉब्लम आ रही है? मैं आपकी बात रखने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ, वन शुड नॉट टेक एनीथिंग लाइटली। मेरे को, आई वॉज वेरी हेल्दी पर्सन, आई यूज टू लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, आई नेवर हैड एनी मेजर प्रॉब्लम। मेरे को सिर्फ 3-4 दिन माइल्ड बुखार रहा है, और बुखार में भी मैंने क्या किया है कि सुबह गोली खाई, थोड़ा सा पसीना आया, खाया और अपने काम पे चला गया। माई वाइफ इज ऑल्सो डॉक्टर, सो थर्ड डे शी हेल्ड माई हैंड एंड शी सेड अभी भी पूरा फीवर गया नहीं है। दैट मीन्स आवाज़ थोड़ी प्रॉब्लम है मेरा, क्योंकि फीवर गया नहीं, तो शी सेड देयर मस्ट बी इन्फेक्शन। हम डॉक्टर के पास गए, चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास गए, उसको दिखाया, वो कहता है जी ठीक है, लगता है आपको वायरल हो गया। तो हमने सारे ब्लड टेस्ट करवा लिए, सब कुछ वॉज नॉर्मल। उसके बाद मेरे को सांस चढ़ना शुरू हो गया, आई अगेन वेंट टू हिम, बट सांस चढ़ना ठीक नहीं हो रहा। देन आई वेंट टू पोलिस, एंड देयर द मोमेंट द डॉक्टर सॉ मी ही टोल्ड मी यू इन मेजर ट्रबल। तो वो मेरे को इमीडिएटली उन्होंने कहा कि आप अपना सीटी स्कैन करवाइए, और सीटी स्कैन में पता लगा कि मेरे लंग इन्फेक्शन हो गई है, और जो बैक्टीरिया जिसके कारण मेरे को लंग इन्फेक्शन हुई थी, दैट वॉज एयर बॉर्न बैक्टीरिया। इट इज़ अ मैटर ऑफ चांस कि किसी को भी हो सकती है, वो मेरे को हो, इसका और किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। नॉर्मली दैट बैक्टीरिया डाइज आफ्टर 5 सेकेंड्स, गेट्स इनटू योर सिस्टम, लेकिन मेरा बैक्टीरिया लंग्स के अंदर तक चला गया, और वो 40 घंटे के अंदर आपके उसको इन्फेस्ट, जैसे इनको कभी प्रॉब्लम नहीं थी, 2-3 दिन के अंदर ही हो गया, तो मेरे को 48 आवर्स के अंदर वो इन्फेस्ट कर गया बैक्टीरिया, बिफोर आई कुड रिकगनाइज कि आई एम इन ट्रबल। बट लकी आई रीच्ड इन द राइट हैंड एट द राइट टाइम। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको सिंपल बुखार भी है ना, प्लीज़ डोंट टेक इट लाइटली। दिस माइल्ड फीवर कैन बी वेरी वेरी डेंजरस। हम नॉर्मली फीवर को भी लाइटली लेते हैं कि यार 3-4 दिन तो चल सकती है, लेकिन अपना चेकअप करवा लेना चाहिए एक्सरे के बाद। तो जैसे कि आपने बताया कि आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन आप कितने दिन लग गए आपको इस बीमारी से निकलने के लिए? मैम, आई वाज ऑन वेंटिलेटर फॉर टू मंथ्स। सो व्हेन आई वेंट टू द हॉस्पिटल, माय वेट वाज 78 kg, व्हेन आई केम आउट माय वेट वाज 48 kg, सो ऑन एवरेज आई वाज लूजिंग 0.5 kg एवरी डे। अभी आप बिल्कुल फिट हैं? हाँ, उसके बाद में बिल्कुल परफेक्टली फिट, कितनी 3-4 मंथ्स टू रिकवर फुली। उसके बाद आई एम बैक टू ऑल माई नॉर्मल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, एवरीथिंग।